उत्तर प्रदेश थाना रिफाइनरी के अंतर्गत बाइक सवार युवकों ने युवती के ऊपर फेंका ज्वलनशील पदार्थ। पीड़ित युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन फिर भी हकीकत में इन दावों से कोसों दूर नजर आ रही है। ताजा मामला मथुरा जनपद के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में प्रकाश में आया। जानकारी के अनुसार थाना रिफाइनरी क्षेत्र में रह रही करीब 19 वर्षीय युवती बुधवार को शाम अपने घर के पास में थी, तभी अचानक बाइक सवार युवकों ने उसके नजदीक आकर ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर फेंक दिया और फरार हो गई। ज्वलनशील पदार्थ शरीर पर गिरते ही युवती दर्द से कराने लगी। युवती की आवाज को सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और घटना के संबंध में इलाका पुलिस को सूचना दी। वहीं युवती के परिजन गंभीर अवस्था में युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आए, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। यही जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित युवती से जानकारी प्राप्त कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के मोहल्ला के नगर में एक 14 वर्षीय बच्ची के ऊपर संदिग्ध परिस्थितियों में ज्वलनशील पदार्थ डालने की शिकायत प्राप्त हुई है। चिकित्सकों की प्रारंभिक राय में कोई बर्न इंजरी नहीं पाई गई है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।